भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फ्रीडम कप टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच रांची के जेएससीए स्टेडियम में 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं इससे पहले शुक्रवार को पूरी भारतीय टीम ने जेएससीए ग्राउंड पर जमकर पसीना बहाया। वहीं स्टेडियम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन से मीडिया में बात करते हुए भारतीय टीम के विकेट कीपर रिद्धिमान शाह ने कहा कि जेएससीए का विकेट अच्छा बैटिंग विकेट है। साथ ही कहा कि नेट प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस विकेट पर कुछ असामान्य उछाल भी दिखा, पर कुल मिलाकर विकेट बहुत अच्छा है। बाद में इस विकेट पर कुछ टर्न भी देखने को मिल सकता है। वहीं पुणे मैच के बाद गेंदबाज उमेश यादव द्वारा कहे जाने पर कि दो विकेट रिद्धिमान का विकेट था, पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी कोशिश होती है टीम के लिए मेरे प्रयासों से मजबूती मिले। वैसे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलने से और अच्छा करने का हौसला मिलता है। वहीं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली द्वारा दिए गए सलाह पर कहा कि एक विकेट कीपर का जॉब थैंकलेस जॉब होता है। वहीं गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर पूछे जाने पर कि एक क्रिकेटर के एडमिनिस्ट्रेटर बनने से क्रिकेट को फ़ायदा होता है क्या, पर कहा कि अगर एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बनता है तो इससे क्रिकेट को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो एक क्रिकेटर की परेशानियों को बखूबी समझता है। रांची झारखंड से आशुतोष कुमार रंजन की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। एक्चुअली हर कोई टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे उमेश ने पहले इनिंग में बहुत अच्छा बोलिंग डाला है और अच्छा चांस क्रिएट किए थे, तो सेकेंड इनिंग भी वैसे किया है। तो चांस क्रिएट हुआ था लेक्चर के बाहर, तो मैं उसमें लकीली पहुंचा और मैं टीम के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं वैसे सोचता हूँ और उमेश ने बोला कि मेरा दो विकेट है, तो वैसे अच्छे तो लगता ही है कि पर्सनली थोड़ा देखा जाए तो हर जगह क्रिकेट आपको होता है कि कीपिंग एज देखा जाए तो थैंकलेस जॉब है। ग्लव पहना हुआ है, सब कुछ हो सकता है कि हर बॉल को पकड़ ट्राई करनी चाहिए, तो वैसे इजी नहीं होता है टर्निंग टर्न भी और अनेबल बाउंस। तो प्रिपरेशन वैसे हम लोग करते हैं कि कैसे विकेट है वैसे रीड करके और रेस्पेक्ट और हैश डालता है। तो बहुत दिन से मैं उन लोग दोनों को कीपिंग करता हूँ, तो पता है और उन लोग का पेस भी पता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करके मैं सिचुएशन हिसाब से एडजस्ट करूँ। तो जैसे दादी ने इतना दिन मतलब रिप्रेजेंट किया है कंट्री और डोमिनेट किया है एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर, दादी को स्पोर्ट्स फील्ड में या जैसे नॉर्मली प्लेयर्स के बीच में क्या चलता है, क्या डिमांड होता है, तो सब चीज़ पता है दादी को। तो उस चीज़ में दादी में भी और भी थोड़ा मतलब प्लस पॉइंट ला सकते हैं और टीम को या इंडिविजुअल या जैसे मान लो कि टीम गोल रहता है या ट्रैवल कुछ भी होता है, जैसे टीम जैसे हम लोग जाते सब मिला के कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट और भी पॉसिबल कर ही सकते हैं। दादी को तो पता है, तो वो चीज़ जैसे मान लो कि कुछ चीज़ अगर मान लो अभी हो ही नहीं रहा है वो दादी कर सकते हैं, दादी को पता है।